बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्ष हमलावर है, शराबबंदी को वापस लेने की मांग कर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है जो तेजस्वी 6 महीने पहले तक शराबबंदी का विरोध कर रहे थे वह अब नीतीश कुमार की भाषा बोलने लगे हैं। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव की नीति और नीयत बदल गई है। इधर तेजस्वी यादव की पार्टी के एक MLC ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव खुद शराबबंदी करना चाहते हैं, लेकिन वह नीतीश कुमार के सामने कुछ कर नहीं पा रहे हैं। RJD की MLC रामबली सिंह ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में न सिर्फ नीतीश कुमार की बखिया उधेरी बल्कि तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा। MLC रामबली सिंह ने कहा कि जहरीली शराब के मुद्दे पर हम लोग कुछ इसलिए खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सरकार में है, सत्य को भी रखना हम लोगों को लाजमी है क्योंकि जनता के बीच में है। हमने तो पहले ही एक बार कहा था कि शराब उसी तरह है जैसे भगवान है, भगवान दिखते नहीं है कहीं लेकिन होते हर जगह हैं। जहां फोन करिए डिलीवरी सिस्टम है मिल जाएगा। बात यह है कि शराब की डिलीवरी के व्यापार में एक माफिया का तंत्र विकसित कर गया है बिहार में, उसमें बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग शामिल है, उसका शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। पता नहीं मांझी जी इस पर चुप क्यों हैं, पहले तो खूब बोलते थे। रामबली सिंह ने यह भी बताया कि आज बिहार में बंदी के बाद भी कैसे शराब बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले शराब का पाउच मिलता था, उस पर एक साइज की मोहर लगती थी, सील से पता चलता था कि हमने इसे बनाया है और बेच रहे हैं। अब तो कुछ है ही नहीं, सब नकली है। पहले शराब बनने में वक्त लगता था, उसका प्रोसेस होता था। आज माफिया को क्या चाहिए कि आज शराब बनाई और कल पैसा आने लगे, इसके लिए कई तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में RJD के MLC बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं। RJD के MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा, तेजस्वी यादव तो खुद शराब पीते हैं, वे चाहते हैं कि एक दिन में शराबबंदी खत्म हो जाए लेकिन नीतीश के सामने बोल नहीं पाते हैं। रामबली सिंह ने कहा कि बिहार के हर गांव में शराब बन और बिक रही है, नीतीश कुमार की जिद ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। रामबली सिंह ने अपनी पार्टी के बारे में कहा कि CM सुनना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी यादव को बोलने की हिम्मत नहीं है, जब वह बोल नहीं पाते हैं तब हम छोटे लोग कैसे बोलेंगे। सब जानता है कि शराब नीति फेल है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। इतना ही नहीं, RJD MLC ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में आधे से ज्यादा मंत्री विधायक दारू और बिहार के आधे से ज्यादा ऑफिसर शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि रात में पता करिए कि कितने अफसरों के यहाँ दारू चल रहा है, कुछ तो ऐसे आदि हैं कि शराब के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।